हर तरह से सुंबुल को लेकर के बैकलैश अगर किया जाता है तो वो सॉफ्ट टारगेट होता है शालीन। एक बात बताओ, अगर यही चीज कोई लड़की कर रही होती तो? देखो मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ ना, और मुझे इस टॉपिक पे, मैं बंदे को नहीं, वो जो टॉपिक चल रहा है जिस चीज के ऊपर उसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, मैं उस बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गेम के हिसाब से हमेशा जो है चेंजेस आते रहेंगे मेरे ओपिनियन में। तो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कह रहा हूँ और उस टॉपिक के बारे में कह रहा हूँ कि यही चीज अगर कोई लड़की की होती तो क्या सलमान भाई इस तरह से रिएक्ट करते, क्या ऑडियंस उस तरह से रिएक्ट करती? नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि सिचुएशन इस टॉपिक को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं भी ऐसे ही करता था, और जब मौका मिलता था मैं करता था। दिमाग में सिर्फ एक चीज होता है कि अगर एक लड़की किसी लड़के के बारे में जान जाती है कि ये बंदा जो है मेरे पीछे में लट्टू है, उसको फ्रेंड जोन करने के बाद में उसको अच्छे तरह से नचाती है, और कुछ बंदे होते हैं जो फ्रेंड जोन में बिल्कुल नहीं आते, वो फ्रेंड जोन में आने से पहले वो कट लेते हैं, और अगर वो फ्रेंड जोन करती भी है तो उसको बस एक नॉर्मल लड़की के जैसा ही ट्रीट करते हैं, क्रश जैसा, या फिर वो एक दिन मान जाएगी और मेरे को उस तरह से समझेगी, ये सारी चीज़ में नहीं जाते। तो उनमें से मैं भी हूँ और शालीन भी वैसे ही है। उसको एक चीज़ पता चल गया, अब उसने उस चीज़ को जो है सही जगह पे यूज़ किया। इट्स अ गेम स्ट्रैटेजी, अभी उसमें क्या बुराई क्या है, लेकिन पूरे तरह से बैकलैशेस करना शुरू कर दिए, तुमने उसको चिढ़ाया, तुमने उसको यूज़ किया। अरे भाई, जब एक लड़की बोलती है कि वो लड़का जब खुद यूज़ होना चाहता था तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसके पैसे वो उड़ाया, वो मेरे पीछे टाइम इन्वेस्ट किया, उसको पता था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर मेरे पीछे क्यों आया? तो अगर ये चीज़ एक लड़की का कहना सही है, तो जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से और जिस तरह से आजकल चलता है उसके हिसाब से आपको इसको भी सही बोलना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर सुंबुल उसके पीछे में जाती है, वो डे वन से जो है उसके साथ में एक बॉन्ड हो गया, बॉन्ड होने के बाद में जो है अलग तरह से ट्रीट करने लगी, शालीन जो है उसको पहले बच्ची बच्ची के हिसाब से लिया, और उसको जिसके पीछे जाना था या फिर उसको जो मच्योर लगी। देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि टीना के साथ में उसकी जो बॉन्डिंग है ना, मुझे शालीन का नहीं पता, लेकिन टीना का तो इतना पता है कि वो गेम का एक प्लान है कि आपको टिके रहना है, लोगों के नज़र में आना है, लोग लव स्टोरीज पसंद करते हैं, भले से आप शो जीतो या ना जीतो, आपको कुछ हफ्ते तो मिल जाते हैं, तब तक आपको गेम समझ में आ जाता है, उसके बाद से आप गेम खेलने लग जाते हो, उसके बाद से आप इंडिविजुअल हो जाते हो, बीच में आप अगर ब्रेकअप भी कर लेते हो तो लोग फिर नफरत वाला फेस जो है वो देखना चाहते हैं कि जब दोनों के बीच में अब बनी नहीं, अब ब्रेकअप हो चुका है, तो अब दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसने उस मैच्योरिटी के हिसाब से टीना को चुना, और सुंबुल जो है वो उसके पीछे लगी रही। आज भी जब सलमान खान आकर के उसको पूरा समझाए, पूरे तरह से डांटा, उसके बाद एंड ऑफ द एपिसोड क्या किया उसने? गई शालीन के पास में। देखो जहां पे दिल लग जाता है ना, फिर उसके बाद सब कुछ नहीं कर सकते, फिर दुनिया की रीति रिवाज, लोगों की नजरें, कोई चीज आपके लिए मतलब मायने नहीं रखती। आप बोलते हो बस दुनिया बाढ़ में जाए, जो मुझे पसंद है सो पसंद है। बंदी वही कर रही है। अगर आप उसको ये कह रहे हो अब कि प्लीज अपने रियल जोन में आओ, अपना रियल फेस दिखाओ, भाई वो वही है। और एक लड़की का सॉफ्ट होना, किसी पे प्यार आ जाना, बुरा क्या है? और एक चीज, लड़का ही प्रपोज करे, लड़का ही अप्रोच करे, ये कौन सी बात हो गई यार? लड़की अप्रोच कर रही है, लड़की अगर सामने से जा रही है, बुरा क्या है? अब उस चीज को जो है ट्विस्ट दे करके, थोड़ा टैंगी बना करके सामने में प्रेजेंट कर रहा है बंदा। अब तुम उसको बोल रहे हो शालीन तुम अपना क्यूट फेस बना रहे हो, अपना चाइल्डिश वाला मतलब अवतार दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट सो क्यूट। अरे उसको क्यूट बनना ही नहीं है, वो अगर एक्टिंग भी कर रहा है, लोगों को नजर आ रहा है ना, वो देख रहे हो, वो देख लेंगे, लेकिन किसी एक लड़की के ऊपर में ये करके कहना, उसको सॉफ्ट टारगेट बना लेना, ये बंदा तुझे यूज कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं शिव के साथ में एग्री नहीं हूं, ना ही सलमान खान के साथ में। फेक है वैसे प्यार तो, फेक है गौतम और सौंदर्या का, अगर फेक है ना, वो तो फेक लग ही रहा है, बहुत ज्यादा नहीं पर कहीं ना कहीं लग रहा है। शालीन और टीना का पक्का फेक लग रहा है, क्योंकि शालीन वो जब बात करता, यस सर, हाँ, ये एक्टिंग ही है, ठीक है, वो खुलेआम सबके सामने कर रहा है, सलमान खान के सामने कर रहा है, व्हाट अ बिग डील। अब ऑडियंस का फैसला है, वो रखे या निकाल फेंके, या फिर उनको वो सीरियल वाला ही प्यार यहां पे भी देखना है, देखे। बट मैं सिर्फ सपोर्ट एक चीज के लेके आऊं, प्लीज किसी को इस तरह से बैकलैश मत करो कि उसके पीछे लड़की भागती है और वो उस टाइम को जो है यूज कर लेता है। उसने इस एपिसोड में मुंह पे कह दिया कि वो चाय और चिकन अच्छा बनाती है,
इसलिए मैं थोड़ा मक्खन लगाता हूँ। मैं भी करता हूँ करता था। किसी के हाथ का कुछ खाना अच्छा लगता है, आप उसको थोड़ा मस्का मारो, सामने वाले को यही लगता है कि एक दिन तो बात बनेगी। तो जब लड़के सालों तक इंतजार में रहते, लड़कियां क्यों नहीं रह सकती? दैट वॉज माई कॉल, दैट वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर दिस। वॉट्स यू टेक, प्लीज डू कमेंट। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए एपिसोड में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।